साफ अब देखना कौन आया है। देखो जाके कौन आया है। मैंने तो बाहर क्लोज का बोर्ड लगा दिया है, इतनी रात को कौन होगा। अब तुम मैं अपनी प्रथा से मिल सकता हूँ। प्रथा चलो, पर इतनी रात को क्या तुम इंदर क्या करने आए हो। चलो आप थोड़ा अंदर जाएंगे प्लीज। जी प्रथा, वो पहली बात, मैंने तुम्हें नहीं इधर बुलाया है, तुम बिन बुलाए आए हो, और ऊपर से तुम मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर मेरी बात तो सुनो, मेरी बड़ी माँ मेरी सगाई करवा रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ इसमें। पर मैं सगाई नहीं करना चाहता, ये तुम्हारा आपस का मामला है, तो इसमें मैं क्या करूँ। दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं नहीं करती, मेरी भी शादी तय हो रही है। तुम जाओ जाओ, पर मेरी बात सुनो, तुम जाओ। रुकी अब नागिन, मेरी प्यारी नागिन, मेरी काली नागिन। काली नागिन को याद अभी आ रहा है ना, तो भूल जा, ना ही तुझे नागमनी मिलने वाली है मोटी, और ना ही कुछ, हमेशा खाती रहती है पीती रहती है, ओवर एक्टिंग। अब कर भी क्या सकते हैं ना, अगर मैंने उसे बता दिया, अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो मुझसे बात नहीं करेगा, और फिर तुम दोनों की शादी मैं कैसे करवाऊंगी। कैसे करवाएगी, ऐसे मैं असली रूप में आ जाऊंगी और तेरे को डस लूंगी। अब तू तो साफ बन के नहीं बोल सकती। बोल सकती हूँ, चुप चुप चुप, सी 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 लगा के रखा है। इंसान बन, ये जानवर बन के मत रह। मैं देख, तुझे रॉकी चाहिए, मुझे नागबनी। और एक मिनट, हर बार तू मेरी मर्दों से प्यार क्यों करने लग पड़ी है। पहले मेरा बेटा था, अब मेरा मुंह बोला बेटा। बार बार बूंदी मात के मेरी गोदी में आके क्यों बैठती है। तो क्योंकि मुझे अब कोई सीरियस बात चल रही है तो हम चल जाते हैं। नहीं नहीं आओ ना तुम लोग, जब सीरियस बात नहीं होती तब भी तब आते ही नहीं हो, जब होती है तब आ जाते हो ना। अब तो हम जाएं। अरे नहीं नहीं रुको, काली नागिन को ले जाओ, मतलब अरे रुचिका को ले जाओ। रॉकी, बड़ी माँ मुझे आपसे बात करनी थी। मान गया, हाँ रुचिका को लेके जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है चलो भाभी। भाभी कौन, रुचिका भाभी? भाभी नहीं बोलोगी तुम मात से? ठीक है चलो रुचिका। दीदी क्या हुआ, इतने गुस्से में लग रहे हो? बताओ रॉकी क्या हुआ। कुछ नहीं, दरअसल मैं प्रथा के पास गया था। प्रथा? जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो मुझे बात नहीं करनी। अब दीदी, अरे शिवांगी तुम, प्रथा कहाँ पे है? प्रथा तो अभी तक आई नहीं है। अच्छा
ये दोनों लड़कियां भी नहीं आई अब तक। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ आपने सही कहा। और भैया आप क्या कर रहे हो? वो दर्शा शिवांगी, मैं ये नोट्स लिख रहा था, कुछ ड्राइंग्स करनी है और कुछ लाइंस लिखनी है, इसलिए प्रोजेक्ट बना रहा था, ऑफिस लेके जाना है। जी वैसे शिवांगी तुम इधर क्यों आई? दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। हमें उसे बुलाकर रिश्ते की बात नहीं करनी चाहिए। कल बुला ली, मैं आज फिर फ़ोन कर देता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। शिवांगी को मैं कल ही पूछ लूँगी जब वो आएगा। ठीक है। वैसे वो डिस्को में मिलने भी नहीं आया था, कोई रीज़न होगा शायद से। हाँ ऐसे ही लगता मुझे भी, शायद से कोई रीज़न होगा। और ऐसा करते हैं भाई, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अरे भाई क्या हुआ? और सभी घर आ गए, हम भी आ गए, क्या हुआ? ऐसे हुआ क्या था भाई? कुछ बोलो तो, क्या ही बताओ तुझे। और क्या हुआ वैसे, कुछ प्रॉब्लम है? रुचिका भाभी ने कुछ कहा? मैंने अभी अभी आलिया को मना किया कि उसे भाभी बोलने से मना कर। वो तुम लोग की भाभी नहीं है? हाँ हाँ बनी नहीं है, बन जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो, अभी मैं बहुत सीरियस हूँ। क्या हुआ क्या है? मैं प्रथा से मिलने गया था, वही बेकरी वाली। बेकरी वाली नहीं, रिस्पेक्ट से बोलो। मैंने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया, मतलब सेट हो गया। क्या सेट हो गया? साफ साफ मना कर दिया कि मेरा भी रिश्ता तय हो गया है। अब मैं क्या करूं? ना ही मैं रुचिका से शादी करूंगा और ना ही उसे कर सकता हूं। अब एनीवेज ये प्रोजेक्ट कैसा रहा? अच्छा है। और वैसे ये गेम के लिए बनाया ना? हाँ सोच रही लॉन्च कर दें।